अरे बच्चों, तो स्वागत है फिर से आपका एक बार केमिस्ट्री के लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने बच्चों बात करी थी मास परसेंटेज की, आज हम बात करने वाले हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले एंड मोलिकुलर फॉर्मूले की। तो देखो बच्चों, ये क्या है, बड़ी सिंपल चीज़ है। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशो, कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला है ना, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ज़रा एग्जाम्पल देखो, तुम्हें चीज़ें बहुत ईजिली समझ आएंगी। देखो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ये तुम्हें मालूम होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चों इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट रेशो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, CH2O। ये बच्चों होल नंबर रेशो तुम्हें मालूम होगा कैसे निकालते हैं, जो भी इन तीनों में से सबसे छोटी यूनिट है तीनों को उससे डिवाइड कर दो, सबसे छोटा कौन है, 6। 6 से डिवाइड करा इधर 1 आया, इसे डिवाइड करा 2 आएगा, इसे डिवाइड करा 1 आया, तो इस तरह से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। और दूसरा एग्जांपल देख लो, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, इसका बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HO 2-2 है रेशो, इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगा, 1-1 होल नंबर रेशो। होल नंबर से क्या समझते हो बच्चों तुम, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 0 नहीं होता होल नंबर में, ठीक है। तो देखो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले को डिफाइन कर रखा है सिंपल सी डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। और बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने फिक्स नंबर ऑफ एटम वगैरह है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ये हाइड्रोजन परोक्साइड की हमने बात कर ली, आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब बच्चों एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें मान लो एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर 0, 1, 2, 3 है ना, कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो एन कैसे निकालते हैं बच्चों, एन कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास तो क्या हो गया बच्चों, जैसे मान लो ग्लूकोज का C6H12O6 का टोटल मास हो गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बच्चों क्या हो गया, CH2O जो हमने निकाला था उसका मास हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अभी क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगे कैसे स्टेप वाइज फॉलो करके हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को ईजिली निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एक टेबल बना लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले एक टेबल बनाओ, उसके अंदर लिख लो मास परसेंटेज नंबर ऑफ मोल्स है ना, एक एक करके टर्म लिखेंगे, अभी टेबल बनाएंगे तुम्हें समझ आएगा। फिर अगला स्टेप हमें क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इंटू ग्राम्स, कि तुम्हें मान लो मास परसेंट गिवन है, जैसे 56% गिवन है, 56% ऑफ कार्बन, तो इसको हम ग्राम में कैसे लिख लेंगे, 56 ग्राम कार्बन, या 60% कार्बन गिवन है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 60 ग्राम कार्बन। तो परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दो सिंपली। फिर अगला स्टेप मास को मोल में कन्वर्ट कर दो, जैसे मान लो तुम्हें 60 ग्राम कार्बन गिवन है, इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कार्बन का गिवन मास 60 है, इस अपॉन में डिवाइड करो मोलर मास से, तुम्हारे मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला काम क्या करना है बच्चों, जो भी मोल्स आए हैं तुम्हारे, अगर वो होल नंबर में नहीं है, सिंपल होल नंबर में नहीं है, तो क्या करोगे, जो सबसे छोटी डिजिट है उन सारी डिजिट में से, उसमें से उससे सबको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर बच्चों मान लो डिवाइड करने के बाद अगर हमें होल नंबर नहीं मिलता तो हम किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि होल नंबर मिल जाए। डिवाइड द मोल्स विद द स्मॉलेस्ट नंबर, इन केस इफ ऑब्टेंड मोल्स आर नॉट होल नंबर, देन मेक इट होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सम डिजिट, कि अगर तुम्हारे ऑब्टेंड मोल होल नंबर नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 4 नहीं है, तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो सबको कि होल नंबर बन जाए, ठीक है। और अगला स्टेप 4 में क्या करना है, राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय राइटिंग मोल नंबर इन सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच एलिमेंट, कि अब तुम्हें मोल वगैरह मिल गए, ठीक है। अब जो भी तुम्हें स्टेप 3 में मोल्स की वैल्यू मिली है उसको तुम एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट में लिख दो, जैसे C1H2O एम्पेरिकल फॉर्मूला में जैसे हमने लिखा था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें समझ आएगा, अभी स्टेप देख के मैं भी समझ ना रहा हूँ, बट क्वेश्चन करोगे तुम्हें बहुत ईजिली समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखो स्टेप 5 में क्या करना है, इफ़ आस्क्ड कन्वर्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय यूजिंग रिलेशन दिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोलने की अगर तुम्हें बोला हो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, तो कुछ इस तरह का ये वाला रिलेशन करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकाल लेंगे। तो बच्चों देखो अभी करते हैं, तुम्हें क्वेश्चन से बहुत ईजिली समझ आएगा। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, एंड इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। कह रहे कि कोई कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन इतने इतने हैं, उसका मोलर मास है 98.96 ग्राम। कह रहे कि व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, कह रहे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ,
ठीक है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले हमने टेबल बना दी, एलिमेंट सिंबल, मास ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपलेस्ट मोलर रेशो, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले एलिमेंट लिख लिए जो जो भी हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, इन तीनों को लिख लिया। इन तीनों का सिंबल लिख दिया, हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, ठीक है। अब हमें मास परसेंटेज है, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हाइड्रोजन कितना है 4.07 ग्राम, कार्बन कितना हो गया 24.27 ग्राम, क्लोरीन कितना हो गया 71.65 ग्राम, ठीक है, सिंपल। अब अगला काम क्या करना है, मोल्स निकालो, इन सब एलिमेंट के मोल निकालो। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपन में मोलर मास, बस चारों को डिवाइड कर दिया तो मोल कुछ ऐसे आ गए 4.07, इधर आ गया 2.022, इधर आ गया 2.018, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब हमें इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो से सिंपलेस्ट रेशो निकालना है इनका। सिंपलेस्ट रेशो बच्चों कैसे निकालेंगे, जो भी इन सब में से छोटा नंबर है ना उसे डिवाइड कर दो इन सबको। सबसे छोटा इन तीनों में से क्या है, 2.018, तो सबको 2.018 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास सिंपलेस्ट मोलर रेशो क्या आ जाएगी बच्चों, इधर वन आ गया। जब इसको 2.018 को 2.018 से डिवाइड करा, इसे 2.018 से जब डिवाइड करा तो कुछ ऐसा आया 1.001, अप्रोक्स 1 आ गया। इसको जब 2.018 से डिवाइड करा तो अप्रोक्स 2 आ गया, ठीक है। तो इधर से हमें सिंपलेस्ट मोलर रेशो मिल गई। अब बस देखो हाइड्रोजन कितने है? हमें पता चल गया हाइड्रोजन का रेशो है 2, कार्बन का है 1, क्लोरीन का है 1, ठीक है। बस अब क्या करना है हमें, बस एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दो। एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, CH2Cl। सबसे पहले कार्बन को लिखा जाता है जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, तो क्या हो जाएगा CH2Cl, यह हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl, ठीक है। अब ठीक है बच्चों, अब अगला काम हमें क्या करना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा, कार्बन कितने है 1 इंटू में 12, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन प्लस में 1 इंटू में 2, तीसरा एलिमेंट क्लोरीन 35.5 इंटू में 1, क्लोरीन का इतना होता है एटॉमिक मास। तो इधर से हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 49.5 ग्राम। अब क्या करना है बच्चों, मोलिकुलर फार्मूला का मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों क्या है, CH2Cl, ठीक है। एन हमने निकाल लिया, एन कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपन में एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इधर से एन आ गया, इसको 2 आ गया, तो 2 को हमने जब एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आ गया, मोलिकुलर फार्मूला C2H4Cl2। देख रहे हो बच्चों, हमें परसेंटेज गिवन थी और हमने क्या बता दिया, मोलिकुलर फार्मूला बता दिया है ना, और एम्पिरिकल फार्मूला भी। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगा होगा बच्चों। ये इजी क्वेश्चन था, अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी NCERT का ही है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या बोल रहे हैं कि जब हम इस गैस को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है 3.38 ग्राम और हमें वाटर मिलता है 0.690 ग्राम। और क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर गैस ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। कहने की और इस गैस का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। जब उसका वेट करा गया पूरी गैस का तो कितना वेट हमें मिला, 11.6 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम भी दिया हुआ है इस गैस का और वेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ गैस एंड मोलिकुलर फार्मूला। कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, मोलर मास ऑफ गैस निकालो, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ गैस निकालो। बच्चों वीडियो को पॉज करके देखना, मे बी तुमसे हो जाए। तो बच्चों देखो इन्होंने क्या बोला, कोई भी वेल्डिंग ऐसा जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, हमें नहीं मालूम कितने कार्बन के आइटम है कितने हाइड्रोजन के आइटम है, तो हमने CnHn लिख दिया। इस गैस को हमने बर्न करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कितना मिला, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम वाटर, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, या यूँ बोलो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन होता है, एक कार्बन, जिसका मास होता है 12 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बन का मास कितना होगा बच्चों, 12 ग्राम, है ना। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बोल लो या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर कितना, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। अब बच्चों एक ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन का मास होगा 44 के इधर ले जाओ तो हमें मिल जाएगा एक ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास 12/44 ग्राम कार्बन मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच्चों 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बच्चों कितना मास होगा कार्बन का, बस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.38 ग्राम में कार्बन कितना मौजूद होगा। तो 12/44 इधर था, हमने 3.38 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इधर से कार्बन का मास कितना मिल गया बच्चों, अप्रोक्स 0.9218 ग्राम। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो बच्चों अब निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का मास, ठीक है। देखो तो 18 ग्राम पानी के अंदर या एक मोल पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, यानी कि उनका मास कितना हो गया, 2 ग्राम हाइड्रोजन। 18 ग्राम पानी के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है बच्चों। 1 ग्राम H2O के अंदर कितना होगा, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, 18 को मैं इधर लिया,
अब हमें क्वेश्चन में कितना ग्राम गिवन है पानी, 0.690 ग्राम, तो बस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.690 ग्राम H2O में कितना बच्चों हाइड्रोजन होगा, 2 × 0.69 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, अप्रोक्स 0.076 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो टोटल कार्बन और हाइड्रोजन वेल्डिंग गैस के अंदर बच्चों कितना हो गया जब दोनों को ऐड कर दिया इसको और पहले वाली टर्म को, तो 0.9985 ग्राम हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो गया वेल्डिंग गैस के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों मास परसेंटेज ऑफ कार्बन और मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। कैसे, जिस भी एलिमेंट का मास निकालना है उसे ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, पहले हम कार्बन का निकाल लें, तो कार्बन का मास हमारा आया था 0.9218 ग्राम, टोटल कितना है 0.9985 ग्राम, तो इधर से परसेंटेज हमारी कार्बन की कितनी आ गई, 92.32%। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है हमारा क्वेश्चन में, 0.076 ग्राम, और टोटल कितना है 0.9985 ग्राम, तो इधर से हमारा हाइड्रोजन का मास कितना आ गया, 7.68 ग्राम। बस अब टेबल बनाओ जल्दी से एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। एलिमेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, मास इनका परसेंटेज को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो गया 92.32 ग्राम, ये हो गया 7.68 ग्राम। ठीक है, मोल्स कैसे आ गए, गिवन मास अपन में मोलर मास, इधर से हमारे मोल्स आ गए सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह। इनका सिंपलेस्ट रेशियो बच्चों क्या होगा, छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, 7.68 को जब डिवाइड करा दोनों से, तो अप्रोक्स रेशियो कितना आ गया, 1:1। ठीक है, 1:1 रेशियो आ गया सिंपल। ठीक है, तो हमें पता चल गया कार्बन हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला में कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 1, तो इधर से हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, CH, और इसका मास क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूले का, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 13 ग्राम हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक टारगेट तो पूरा हो गया, वो क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। अब अगला काम क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना और मोलर मास निकालना। ठीक है बच्चों, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए होगा n, और n कैसे आता है, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास हमने निकाल लिया, अब हमारा पहला काम बचता है मोलर मास निकालना, फिर हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों देखो मोलर मास किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें गिवन है 10 लीटर गैस का वेट कितना गिवन है, 11.6 ग्राम। क्वेश्चन में उन्होंने दिया ना कि 10 लीटर गैस है जिसका वेट है 11.6 ग्राम, एक लीटर गैस का बच्चों वेट कितना हो जाएगा, 10 को इधर ले जाओ, 11.6 बाय 10, एक लीटर गैस का इतना वेट हो गया। अब बच्चों तुम्हें याद होगा कि एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, है ना, एक मोल गैस का हमने वॉल्यूम पढ़ा था कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हमने बच्चों क्या करा, 22.4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22.4 लीटर गैस का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 11.6 डिवाइडेड बाई 10 × 22.4 ग्राम। तो बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं एक मोल गैस का बच्चों कितना आ गया मास, 25.98 ग्राम या अप्रोक्स 26 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम। मोलर मास क्या होता था, किसी भी एक मोल का मास, है ना, एक मोल का मास क्या होता था, मोलर मास। तो बस इधर से एक मोल का मास इतना आ गया, ये बोल लो मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम। तो इधर से हमारा मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया बच्चों, 26 ग्राम। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, एन क्या होता है तुम्हारा मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना आ गया, 26 ग्राम, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने पिछले पेज पे निकाला था कितना था, 13। तो इधर से एन कितना आ गया, 2, एन कितना आ गया इधर से 2, तो बस अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो, एन इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन कितना है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला सी एच, तो इधर से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया, C2H2। सिंपल है बच्चों, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बच्चों जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, तुम्हें हो जाएगा अच्छे से। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें करे हैं वो भी तुम खुद से प्रैक्टिस करना, और बाकी मैं 2 क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ वो भी तुम ट्राई करके देखना, सिंपल है, हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।